आर न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल और हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी। एचआर न्यूज लगातार आपको नरेश चौहान जी के राजनीति विश्लेषक के तौर पर तमाम जो विश्लेषण ये करते हैं वो दिखाता आया है, और आज एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि हमने भी आपको दो दिन पहले दिखाया था किस तरीके से जो है राजनीति राज्यसभा चुनाव को लेकर के गरमाई हुई है, और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के और जो है बीजेपी में शामिल हुए, उससे हरियाणा की राजनीति भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गरमाई, और भी जो अनेक राज्य है कहां का गरमाई पूरा सिरे व चौहान साहब से जानेंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई में जो है दीपेंद्र हुड्डा की कहें एक तरीके से लॉटरी खुल गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से छोड़ करके गए कांग्रेस को, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में खलबली मची, और एकाएक कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को जो है कुमारी सैलजा की बलि लेनी पड़ी। सीधे एक बार चौहान साहब से चर्चा करेंगे, बड़ा विस्तार से वो समझाएंगे। पूरा पहला सवाल हमारा चौहान साहब यही है, क्या कहेंगे जो राज्यसभा को लेकर की राजनीति गरमाई हरियाणा में उसका असर देखने को मिला? मोहनलाल जी, हमने अपने पिछले विश्लेषण में आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, मैंने आपसे यही कहा था कि ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा, और वो हमारे सामने भी आया। जैसे ही माधव ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस छोड़ते ही एकदम खलबली मच गई, और राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में भी हैं, गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, हरियाणा में भी 3 सीटों के हैं, मतलब 55 के करीब सीटों पर पूरे देश में राज्यसभा की जो खाली सीटें हैं उन पर 26 मार्च को चुनाव होना है, और उसमें कांग्रेस की सीटें भाजपा का ये एक लक्ष्य है कि अब कांग्रेस की बढ़त थी कहीं ना कहीं इन 55 में भी, तो उसको धरातल पे लाएं, डाउन करें, तो ये खेल चल रहा है। और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की, उसके तुरंत बाद हरियाणा की 3 सीटों के लिए विशेष रूप से एक सीट कांग्रेस के पास थी जो कुमारी शैलजा रिटायर हो रही हैं, उस सीट पर निश्चित था कि कुमारी शैलजा को दोबारा नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा एक किस्म से सोनिया गांधी जो आज सर्वे सर्वा है कांग्रेस पार्टी की, उनके परिवार की, पार्टी की नहीं, उनके परिवार के एक अभिन्न अंग की तरह से कुमारी शैलजा का रुतबा है। तो कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप ने, क्योंकि आज जो कांग्रेस के 31 एमएलए चुन के आए हैं उसमें 25-26 एमएलए सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के हैं, कुमारी शैलजा के 2-3 एमएलए शायद हों, बाकी किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, मतलब ये अपने दमखम पर हैं। तो इन्होंने एक दम रणनीति बनाई, और 2 दिन पहले ही दिल्ली में सभी अपने विधायकों को हुड्डा साहब ने लंच पर बुला लिया, और उसमें 25-26 विधायक आ गए, और एक किस्म से हाई कमांड को उन्होंने अपना अल्टीमेटम दे दिया कि या तो दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दो। ये गुपचुप मैसेज था जो ये दिया गया था, क्लियर मैसेज, जब लंच पर बुलाया, एक शक्ति प्रदर्शन किया और हाई कमांड को एक मैसेज दिया, गुपचुप तो मैसेज ये था कि अगर आप टिकट नहीं दोगे तो आपकी हमारी जो बार में तो के हम निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, सिंधिया के बाद दीपेंद्र भी पार्टी अलविदा कह सकता है। तो उस मैसेज से
कांग्रेस में हड़बड़ी मची हुई थी और कांग्रेस पार्टी हिल गई और उन्होंने कुमारी शैलजा की बजाय शाम को ही 12 तारीख की शाम को ही दीपेंद्र हुड्डा का नॉमिनेशन। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो राहुल की टीम में था, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा कदम उठाते अगर 1% अगर दीपेंद्र हुड्डा को नॉमिनेट नहीं करते इस पद के लिए राज्यसभा के लिए? राहुल की टीम के, राहुल ने आपने ध्यान नहीं दिया, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से मुखातिब होते हुए जब ये आप वाला सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि आपकी टीम के आदमियों को राज्यसभा में नहीं भेजा जा रहा, उसने बीच में ही काट दिया कि मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूं, मेरा राज्यसभा की टिकटों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बता रहा था कि वो मैसेज एकदम क्लियर गया और उस हड़बड़ाहट में कांग्रेस के हाथ पैर फूले हुए थे। और ये एक किस्म से मोहनलाल जी कहीं ना कहीं इतिहास दोहराने की भी बात है। मैं आपको 1996 में ले जाऊंगा और इस इतिहास से रेवाड़ी का भी एक कनेक्शन है कि किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाग्य रेवाड़ी से और रेवाड़ी की कनेक्टिविटी से उनको एक ऊर्जा मिलती है। 1996 में मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ कर्नल राम सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह और इन्होंने, इस ग्रुप ने एक बगावती सुर अपना रखे थे और ये तय था 1996 के पार्लियामेंट चुनाव में कि इन असंतुष्टों को, इन बागियों को भजनलाल टिकट नहीं लेने देता। और इनकी एक किस्म से प्लानिंग थी कि भाई अगर यहां टिकट ना मिले तो फिर हम कहीं और जुगाड़ करें। लेकिन ये इकट्ठे कहीं स्विच ओवर करते उससे पहले ही रातों रात कर्नल राम सिंह ने अचानक ही भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने छलांग लगा दी, क्योंकि 11 अकबर रोड और 6 अकबर रोड, मतलब सड़क अशोका रोड, सड़क बीच में थी, इधर उस टाइम बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय होता था और इधर अशोका रोड पर कर्नल राम सिंह मंत्री के नाते उनको कोठी मिली हुई थी। और जैसे ही जनता पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनको भी टिकट दे दी कि कहीं ये भी ना भाग जाएं। तो वही सीन अब दीपेंद्र हुड्डा के साथ यहां हुआ। और इसमें कांग्रेस ही नहीं, एक किस्म से बीजेपी को भी कहीं ना कहीं झटका लगा है दीपेंद्र की, क्योंकि 12 तारीख को ही सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में ये बात आ गई थी, बड़े बड़े अखबारों में, कि तीसरी सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट उतारेगी। और जिस तरह से 2016 के राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में क्रॉस वोटिंग हुई थी, तो वो ही खेल तीसरी सीट पर भी इन्होंने करना था। लेकिन क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को जैसे ही टिकट मिली, तो जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि 1 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट जो विज्ञान भवन में हुई, जिसमें पार्टी लाइन से हटके उनसे ऊपर उठकर जाट नेता और वो आए और उनका संबोधन हुआ, तो दीपेंद्र के लिए निर्दलीय 7 विधायकों में से भी 4 विधायक जाट हैं, जजपा
के भी 10 विधायकों में जाट विधायक है, कांग्रेस के तो जाट विधायक है ही हैं, और बीजेपी के जो जाट विधायक थे उनको भी नामोशी थी कि भाई जाट को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया चौधरी बीरेंद्र सिंह की टिकट पर भी। तो वो सब कंसोलिडेट हो गए और बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। तो ये लगता बीजेपी को यानी कि कहीं ना कहीं इससे सबक लेना चाहिए, जिस तरीके से आप स्वयं बता रहे हैं कि अगर वोटिंग होती, क्या वोटिंग अब नहीं होगी मेरे हिसाब से? बिल्कुल नहीं, अब तीनों, अब तो तीनों हो गए, तीनों निर्विरोध। अगर वोटिंग होती तो बीजेपी को बड़ा झटका लगता, यकीन है? हाँ, अगर दीपेंद्र के रहते बीजेपी कोई और कैंडिडेट खड़ा करती तो निश्चित रूप से बीजेपी के कैंडिडेट की हार होती और बीजेपी का गणित डगमगा जाता। तो इसमें एक और चीज जान लेते हैं, राज्यसभा क्यों इतना अहम है? क्या लगता है जो केंद्र सरकार एक के बाद एक बिल लेकर के आ रही है, उसमें राज्यसभा में इनका बिल हमेशा आपने देखा होगा, रिजेक्ट हुआ और इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं, लगातार बीजेपी भी इस चीज को उठाती रही। तो क्या जो लोकसभा में बिल पास होता है उसको राज्यसभा में करवाना चाहिए, तो वहां बहुमत की ज्यादा जरूरत होती है, ये सबसे बड़ी लड़ाई? क्योंकि दोनों सदनों से पास होने के बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अब तक राज्यसभा में कांग्रेस या कांग्रेस समर्थक यूपीए उनका बहुमत था। अब हालांकि आज की तारीख में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पूरा बहुमत जुटाने के लिए राज्यसभा के चुनाव की तैयारी है। मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि वहां सरकार रहती तो वहां उनको फायदा होता। अब पार्टी में फूट करवा के सिंधिया को अपने पाले में लाके सिंधिया को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इसी प्रकार अब उसका असर, जैसे हमने कहा कि भाई महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि भाई वो पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाएंगे, तो राज्यसभा की 2 सीटों के लिए राजस्थान में भी अब कॉन्टेस्ट हो गया है, क्योंकि वहां भी सचिन पायलट की नाराजगी, क्योंकि कांग्रेस की दोनों सीटों पर एक वेणुगोपाल को हाईकमांड ने उतार दिया है और एक डांगी को अशोक गहलोत ने अपना कैंडिडेट उतारा है। तो इन 2 कैंडिडेट में भी सचिन पायलट का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसीलिए अब वहां भारतीय जनता पार्टी ने भी आखिरी मौके पर अपना कैंडिडेट दोनों सीट पे उतार दिया, तो वहां भी क्रॉस वोटिंग की संभावना है। आपको लगता है यही स्थिति गुजरात में भी नजर? गुजरात के भी अब लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन और जो आ रही है मीडिया पर और खबर के भाई गुजरात के विधायकों को जयपुर शिफ्ट किया जा रहा है कि भाई कहीं वहां भी तोड़फोड़ ना हो जाए। तो आपको क्या चौंसम एक और चीज निकल के आती है कि अभी जो 5-4 चुनाव हुए जहां राज्य दर राज्य बीजेपी अपनी सीटें गवाती रही, यानी कि जो सत्ता जो आपने देखा होगा झारखंड होगा छत्तीसगढ़ होगा हरियाणा में भी एक तरीके से गठबंधन की सरकार बनी है, तो जिस तरीके से संख्याएं बढ़ी है कांग्रेस के लिए फायदे का सूर है। राज्यसभा में ये तो ना के बराबर थे और अब लगातार धीरे धीरे जैसे एक सीट यहाँ से बढ़ रही है, राजस्थान से बढ़ेगी, महाराष्ट्र से बढ़ेगी, तो कितना बेनिफिट इसमें लगता है कांग्रेस को? नहीं मोहनलाल जी, हम यही बता रहे हैं कि कांग्रेस को तो जब तक अपना नेतृत्व, कांग्रेस को अपना संगठन जब तक नहीं सुधारना होगा, ये तो डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट दीपेंद्र हुड्डा को मिल गई, बाई डिफॉल्ट कहीं और मिल जाएगी, लेकिन ये निश्चित है कि इन 55 सीटों में कांग्रेस को कुल मिला के घाटा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। इसीलिए इन्होंने अपनी इन राज्य विधानसभाओं की चुनाव की हार से सबक सीख के अब राज्यसभा चुनाव में एक रणनीति बीजेपी ने बनाई है कि अब वहां कांग्रेस को पटकनी दी जाए और कांग्रेस के असंतुष्ट धड़ों को कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की। लेकिन एक और चीज निकल के आती है, जिस तरीके से भी आपने स्वयं कहा कि संगठन को मजबूत करना चाहिए, अभी हमने 2 दिन पहले यहाँ जो
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है विद्रोही, उनसे हमने बात। कांग्रेस के नेता भी नाराज है, आला कमान क्यों नहीं संगठन को मजबूत कर पा रहा, लगातार पार्टी बिखर रही है, एक के बाद एक नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो कितना बड़ा आप नुकसान मानते हो संगठन का नहीं होना। खुद प्रवक्ता ने कहा कि अब कदम उठाना चाहिए नहीं पार्टी और बिखरेगी, कितना बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा। देखो ना, अब कल नॉमिनेशन के टाइम पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा नहीं आई नौकने, वरना तो उसकी ड्यूटी बढ़ गई। ट्वीट किया उन्होंने, बधाई दे दी ट्वीट करी, लेकिन आना चाहिए था। वो इतनी बड़ी नहीं है कि ट्वीट करे, एक सीट आप ले रहे हो तो हरियाणा की अध्यक्ष को तो कम से कम आना चाहिए था। तो क्या वहां राहुल गांधी या सोनिया गांधी आते क्या? पर क्योंकि उनको मलाल है, और ये मलाल नहीं हकीकत है। कल ही डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन था, इस राणा में रैली थी जेजेपी की, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि ये दलित विरोधी हैं। पहले अशोक तंवर की बलि चढ़ाई, उसकी जगह शैलजा को लेके आए, और अब शैलजा की बलि चढ़ा दी। तो और पिता पुत्र के मोह में कि भाई बाप बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए और बेटा दीपेंद्र राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन आपको नहीं लगता ये कांग्रेस की रणनीति भी तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ जाट बाहुल्य है, और आपने अभी हसर देखा होगा बीजेपी का विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, तमाम जो उनके नेता हार गए, जो जाटों के साथ जो अनदेखी हुई थी उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। तो आपको लगता है कांग्रेस उस रणनीति पे काम कर रही है कि तमाम जाटों को एकजुट किया जाए और एक चेहरा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र है उसका पूरा फायदा उठाया जाए? किसने रोका था? यही तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो रैली करी रोहतक में, जब इनको क्यों चेताया? पहले इनको नहीं दिखता था कि भाई किस आदमी में दम है। पार्लियामेंट इलेक्शनों में मोहनलाल जी, हमने अपने विश्लेषण में हमने जो दो तीन सीटें बताई थी कि भाई ये कांग्रेस की आ सकती हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने वहां काम किया, उनका जनाधार था सोनीपत और रोहतक में, लेकिन उन चीजों को नहीं किया। और आखिरी मोमेंट पर जब इनके फंस गई या जब इनको मजबूरी में इन्हें रद्दोबदल करनी पड़ी, कुमारी शैलजा को बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लीडर ऑफ अपोजिशन, वो गाड़ी 31 पे अटक गई। आपको लगता है वो भी एक बहुत बड़ी चूक, यानी कि 6 महीने पहले ओवर अटक दी, आपने पहले बिल्कुल बताया कि भाई। तो क्या लगता है ये स्वार्थी लोग, जो आप पहले भी एचआर न्यूज को बता चुके हैं कि कुछ स्वार्थी लोग है जिन्होंने जो कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरा हुआ है, कि ऐसा कोई मैसेज उन तक पहुंचाया जाए मीडिया के माध्यम से, या कोई ऐसा कोई कांग्रेस का वेल वेसर जाकर के उनको समझाए कि पार्टी का किस तरीके से पंठाधार यानी कि हो रहा है, रोकने के लिए आला कमान को मैदान में आना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा विकल्प है जो सोनिया राहुल तक सीधा पहुंच सके? या राहुल ने जो इस्तीफा दिया तब भी एक बात उन्होंने कही थी, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, क्या लगता है वो चौकड़ी ने इनको घेरा हुआ है? मोहनलाल जी, हम बड़े स्पष्ट कह चुके कि ये देखो वो हम और आप हल तो क्या हो है? हल क्या हो, हल हम बता या इसमें भी या इसमें हल भी, हम, या इसमें भी हम हल बता चुके, हम हल बता चुके। सत्ताधारी तो क्यों नहीं फायदा उठाएंगे ये बताओ, जिसको मौका मिले वो तो दूसरे की कमियों का फायदा उठाएंगे। ये इन्हें खुद सोचना चाहिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, सोनिया गांधी कतई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है। जब सोनिया की तबीयत खराब रहती, जब मजबूरी वश इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो कांग्रेस
कि चौकड़ी नहीं, उस टाइम प्रणब मुखर्जी सही उम्मीदवार थे, सीनियर थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उस चौकड़ी नहीं अपनी विसात को कायम रखने के लिए राहुल गांधी को आगे किया। उस टाइम भी सोनिया गांधी ने बिल्कुल मना किया था कि हमें राजनीति से अलग रहना चाहिए, वहां मजबूरी बस हुआ। बाद में सोनिया के ऊपर भी जब ताजपोशी इन्होंने कर दी, उसमें भी उन्होंने अनविलिंगनेस दिखाई कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना और कुछ नहीं करना। और अब राहुल गांधी ने साफ इस्तीफा देने के बाद कह दिया कि भाई कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बनना चाहिए, तो उसकी ही बात को ये लोग क्यों नहीं मान रहे, उसी की बात मान लें तो ही कांग्रेस में एक किस्म से नहीं तो सुधार नहीं था। माना जा रहा है कांग्रेस राहुल गांधी की बात को नहीं माना जा रहा है। धीरे धीरे जिस तरीके से आपको लगता है कांग्रेस के आला कमान को जिस ट्रैप में फंसाया हुआ है, क्या उस चक्रव्यूह से निकलने का कोई हल आपको सोचता है? एचआर न्यूज के माध्यम से एक मैसेज जाए या आला कमान जो कांग्रेस की जो हकीकत में वैल्यूएशन है, या राहुल गांधी को मंच पर आकर के एक सीधा सा अल्टीमेटम देना चाहिए कि जिसको कांग्रेस छोड़ के जानी है जाए, सख्त कोई नियम बने, सख्त कोई कानून हो, सख्त डिसीजन ले राहुल गांधी, तब जाकर के कोई हल होगा इसका। राहुल गांधी नहीं, कोई अध्यक्ष आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांधी परिवार से बाहर का कोई आदमी। अब आप ये बताओ मोहनलाल जी, जब महाराष्ट्र में शरद पवार की डिक्टेशन पर सब कुछ हो गया और राजकाज बदल दिया और वो हो गया, तो उसी पे था, तो क्यों नहीं शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेके ही तो कांग्रेस से, वो तो जन्मजात कांग्रेसी हैं। जब आप सरकार बनाने में एनसीपी के साथ हो सकते हो, तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को बनाने में कहां दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? ममता बनर्जी, मतलब यूथ कांग्रेस से लेके एक फायर ब्रांड कांग्रेस की नेता, मतलब उसकी सादगी में, उसकी ईमानदारी में, उसकी कैपेबिलिटी में आज विपक्ष वाले भी ची मानते हैं, क्यों नहीं ममता बनर्जी को वापस कांग्रेस में लाके उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे? जो लोग गए उनको घर वापसी किसी तरीके से कराए, क्यों नहीं? अगर कराया तो कांग्रेस में जान आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनमें अपने दम पर जान है, उन्होंने कांग्रेस से बाहर निकल के साबित कर दिया कि हमारे अपने अंदर भी बहुत कुछ दाम नहीं। उसके अलावा वो ठीक है कि आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति करने का तरीका भी एक थोड़ा सा अलग है। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा शरद पवार ने किस तरीके से पूरा गेम प्लान खेला, इधर मोदी जी से भी मिले, इधर सोनिया से भी मिले, और एक ऐसा चक्कर यू, ऐसा ट्रैप यानी कि शतरंज की बिसात बिछाई जिसमें सब फंसता चला गया, पूरे मीडिया को भनक नहीं हुई, रातों रात केस भी जो है अपने भतीजे का जो खत्म करवा दिया, सीएम भी बनवा दिया, फिर जाके सरकार भी अपनी बना दी, उद्धव ठाकरे को भी खुश कर दिया। क्या लगता है इतने बड़े चाणक्य को बाजी देनी चाहिए? मैं यही कह रहा हूं मोहनलाल जी, ये चीजें ये भी कर सकते, इनको किसने रोका है सोनिया गांधी को मूवमेंट करने में, लोगों से मिलने में, नेताओं से मिलने में, राहुल गांधी को? लेकिन ये बाहर तो चौकड़ी से इन्हें हम और आप या कोई सलाह दे, उससे कोई नासमझ आदमी को तो सलाह दी जा सकती है, संपन्न आदमियों को और राजकाज करने वालों उनको कौन सलाह देगा, मतलब किस लिए सलाह देनी? तो ये इन्हें सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। राष्ट्रीय लीगेसी वाली पार्टी सैकड़ों साल पुरानी और राजकाज किया है इतने सालों तक, उन लोगों को ये कोई ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से हताश ही हो गई हो? भाई जिस तरीके से मोदी का जादू चल रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाई हुई है, कोरोना से देश पूरा ग्रसित हो गया, तमाम एक के बाद एक बैंक फेल हो रहे हैं, यस बैंक की आपने हालत देखी, तमाम जो नौकरियां, बेरोजगारी, तमाम जो, इनके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों का लगातार कांग्रेस वगैरह छोड़ करके बीजेपी में जाना, कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति ज्यादा हैवी है, आपको लगता है इस तरीके का? देखो बीजेपी की तो अपनी रणनीति, उन्होंने एक अपना रोड मैप दिया, एक नेतृत्व दिया नरेंद्र मोदी के रूप में, तो पॉलिसियां हैं, लेकिन
उन पॉलिसियों की पहुंच आम आदमी तक नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा कल ही गुड़गांव सदर बाजार में, और वो अब टीवी पर अखबारों में चिल्ला चिल्ला के वही जिन्होंने हजारों लाखों वोट बीजेपी को दी हैं, अभी कितना टाइम हुआ है, वो कह रहे हैं अब ये सरकार जाएगी, ये सरकार तो आनी नहीं है। लेकिन करें क्या, विकल्प नहीं। नहीं तो कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही इन चीज को, जबकि कांग्रेस ने भी 10 साल मनमोहन को दिया और ऐसा दिया यानी कि देश में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। 10 साल मनमोहन के कार्यकाल को आप याद कीजिए कि चीजें लोगों को मिलती थी, जो भ्रष्टाचार की बात की गई वो भी कहीं साबित ये नहीं कर पाई। पूरा प्लान में कहां मात खा रही है कांग्रेस। ये तो कांग्रेस हम और आप क्या बताएं, तो कांग्रेस आप राजनीति के ज्यादा जानते हो, तो बता दिया हमने कि जब तक आप नहीं संगठन को खड़ा करोगे, संगठन में दमदार जुझारू मतलब जमीन से जुड़े हुए नेताओं को नहीं रखोगे, तब तक पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। हम बार बार ये बात कह रहे हैं। अब जिस तरीके से दीपेंद्र राज्यसभा पे आ जाते हैं, आपने कहा क्या लगता है अब पार्टी में जान डालेंगे दोबारा से, युवा चेहरे हैं, बैनर भी मिल गया, राज्यसभा के सदस्य वो बन जाएंगे राज्यसभा में बोलने के लिए। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, क्या लगता है कितना फायदा कर पाएंगे 2024 के चुनाव के लिए? देखो 2024 तो अभी बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूं कि उससे पहले, अब मैं हमें जिक्र किया कल जो जेजेपी की रैली इसराना में हुई, आप उस पर उनके नेताओं का, चाहे दुष्यंत चौटाला के बयान हो चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, मतलब अब लड़ाई कहीं ना कहीं जाट वर्चस्व को लेके हरियाणा में होने वाली है। उन्होंने पब्लिकली अपनी स्पीच में इस बात को कह दिया है कि आने वाला टाइम, जो कमी कसर रह गई थी, अब तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो अगला कदम उनका चीफ मिनिस्ट्री के लिए होगा। संगठन को मजबूत करने की उन्होंने बात कह दी है, और उन्होंने यहां तक ऐलानिया कह दिया है कि भाई अब ये हरी पगड़ी जो इनेलो वाली थी कि भाई उस पर कहीं ना कहीं अब पीली ये झिरी भी लगा दो और उन सबको मनाओ और सबको साथ लेके चलेंगे, कुंबे को एकजुट करने का प्रयास कल से ही ऐलानिया जेजेपी ने कर दिया है। तो कांग्रेस में अब साबित कर दिया कि भाई भूपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस है, कांग्रेस ही भूपेंद्र हुड्डा है, तो अब उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए बीजेपी ने एक किस्म से हथियार डाल दिए हैं। बीजेपी चाहेगी अंदर बाहर से कि भाई जेजेपी को जाट वर्चस्व में स्थापित किया जाए। आपको ये लगता तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी को भी कोई जाट नेता हरियाणा में लाना पड़ेगा इन दोनों की काट के? नहीं, क्यों? नहीं नहीं, क्योंकि बीजेपी तो मनोहर लाल को लाके दूसरी बार बीजेपी वही वही इस गलती का सुधार कर ले, कहीं नहीं, नहीं, वो एक नया खेल खेलते बीजेपी इस बार अब नॉन जाट छोड़ करके जाट को मौका दिया जाए। बीजेपी के पास मोहनलाल जी कोई जाट चेहरा नहीं, दो चेहरे थे इनके, ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जो पुराने चेहरे थे, फिर तीसरा चेहरा सुभाष बराड़ा, उसको उसके लड़के के खिलाफ एक इतना बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के खिलाफ एक आरोप लगा और वो अब भी ट्रायल बाकी है और फिर भी इन्होंने उसको पद से नहीं हटाया, तो इन्होंने तो पूरा भरसक प्रयास किया कि हम बीजेपी में जाट नेतृत्व को उभारें। चौधरी बीरेंद्र सिंह को परिवारवाद की सब सीमाएं लांघ के तीन तीन पोस्ट चौधरी बीरेंद्र सिंह को दे दी। चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी बुरी तरह से हारी विधानसभा के चुनाव में, कैप्टन अभिमन्यु बुरी तरह से हारा विधानसभा के चुनाव में, ओम प्रकाश धनखड़ बुरी तरह से विधानसभा चुनाव हारा, सुभाष बराड़ा बुरी तरह से चुनाव हारा। इसकी वजह एक और भी तो है ना, जिस तरीके से जब पिछली बार 2014 में इनको जिताया था, इन्होंने सप्ताह की ठसक में जिस तरीके की बयानबाजी करी वो भी तो कहीं ना कहीं लोगों को चुभी ना, उसका रिजल्ट उन्होंने 2019 में दिया। बात आप जाट नेतृत्व, हाँ जाट नेता होने के नाते जो इनको
अहम मिला था रोल बीजेपी में 2014 के अंदर, वही कह रहा हूं, लेकिन जाटों ने नकार दिया इनको। नारनौंद सीट जहां से कैप्टन अभिमन्यु हारा है वो जाट डोमिनेटेड सीट है, वहां से नॉन जाट को जिताया है। बादली जहां से ओम प्रकाश धनखड़ को हराया, जाट डोमिनेटेड सीट है, वहां से नॉन जाट को जिताया है लोगों ने। तो सीधे यानी कि जाटों के नाराजगी बीजेपी से आप मान रहे हैं? है जाट 2016 फरवरी में जो जाट आरक्षण का मामला हुआ उस टाइम भी कहीं ना कहीं ये जाट नेताओं को, जाटों ने, मासिस ने अपना नेता नहीं माना। लेकिन फिर इसका एक और चीज सवाल उठता है, फिर जेजेपी जब इनके साथ जाके सरकार बनाती है वहां जाटों में नाराजगी नहीं होगी कि जिस के लिए जाटों ने इस सरकार को हराया, इनकी सरकार को, इनके मंत्रियों को हराया, उसके बावजूद दूसरे जाट नेता जाकर के सरकार बनाते हैं वो जाटों में नाराजगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जाट जेजेपी के लिए आने वाला समय मुसीबत का है। नहीं, जाट डोमिनेशन के लिए अब लड़ाई जेजेपी और हुड्डा कांग्रेस में रहेगी। बीजेपी किनारा कर चुकी है इस राज्यसभा के इलेक्शन से ही, और मुझे लगता है कि जो अब नया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होगा वो इनकी इन चालों से ही लगता है कि ये मुख्यमंत्री भी नॉन जाट रखेंगे और पार्टी का अध्यक्ष भी नॉन जाट रखेंगे। तो देखिए, ये हमने पूरा आपको नरेश चौहान जी का विश्लेषण सुनाया, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है उसका पूरा विश्लेषण हमने नरेश चौहान जी की जुबानी सुना, और हरियाणा की राजनीति भी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुमारी शैलजा की बलि देकर के दीपेंद्र हुड्डा को जिस तरीके से राज्यसभा सांसद बनाया गया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने की स्थिति में दीपेंद्र हुड्डा होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चौहान साहब ने बताया कि हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है हरियाणा के अंदर, तो जाहिर है कि अब पाला, अब गेंद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में है कि आने वाले समय के लिए किस तरीके से कांग्रेस को यहाँ मजबूत करे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR News, रेवाड़ी।